वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिस्टल कार्स की एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो जो होने वाली है वो है कार एसेसरीज के एक प्रोडक्ट यानी कार डोर वाइजर के बारे में। डोर वाइजर की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, कैसे आते हैं, कितने तरह के आते हैं, कौन सी गाड़ी में लगता है, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। लगते कैसे हैं, आप घर पे कैसे लगा सकते हो इनको, वो डिटेल भी हम आपको इसी वीडियो के अंदर देंगे। आपको लगा के दिखाएंगे कि आप घर पे उसको कैसे लगा सकते हो। तो इन पूरी डिटेल के लिए वीडियो आखिर तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। कोई परचेज इंक्वायरी या कुछ भी आपको इसके बारे में जानना हो तो आप हमसे कमेंट करके ले सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार डोर वाइजर के बारे में। कार डोर वाइजर एक प्रॉपर आइटम है, हर गाड़ी हर मॉडल की अलग होती है। यानी वैगनार के अंदर अगर 3-4 मॉडल आए हैं तो सब मॉडल की भी अलग अलग होगी। जैसे ही गाड़ी के दरवाजे चेंज होते हैं, कार के डोर वाइजर भी चेंज हो जाते हैं। शीशों के ऊपर जो लगते हैं वो होते हैं कार डोर वाइजर, वो आप जानते ही होंगे। अब बात करते हैं उनके फायदे और नुकसान की। नुकसान तो कुछ नहीं है, बेसिकली आपका खर्चा होता है बस, उसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है। और टूट जाते हैं या लोग तोड़ देते हैं, उसको एक नुकसान आप जरूर बोल सकते हो। और बात करें उसके फायदे की, तो एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि गाड़ी का लुक उससे काफी एनहेंस हो जाता है, काफी अच्छा लगता है देखने में। और उसके अलावा आप बारिश के टाइम पे थोड़ा सा 1 इंच शीशा डाउन कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा, गाड़ी के अंदर जो होगा ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी और जो आपके मिरर पे फ्रंट और बैक पे थोड़ा फोग बन जाता है वो आउट होता रहेगा। और समझो हवा भी आ सकती है। गर्मी के टाइम पे अगर आप गाड़ी कहीं पे खड़े कर रहे हो तो उस टाइम पे आप शीशे को थोड़ा थोड़ा डाउन करके आधा आधा इंच 1-1 इंच डाउन करके खड़ा कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, अंदर गर्म हवा का प्रेशर नहीं बनेगा, जिस वजह से गाड़ी अंदर से कई बार शीशे फूट जाते हैं और गाड़ी अंदर से ज्यादा गर्म भी नहीं होगी। तो ये हो गए बेसिक बेनिफिट्स उसके। और लगा हुआ अच्छा लगता है, गाड़ी का लुक एनहांस कर देता है और ओवरऑल एक अच्छी आइटम है, ये तो आप कह ही सकते हो। अब बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली आजकल जो डोर वाइजर लगते हैं वो सारे होते हैं इंजेक्शन मोल्डेड। पहले डोर वाइजर नॉर्मल भी आते थे, थर्मोफॉर्मिंग बोलते थे जिनको, हैंड मोल्डिंग। सारे ब्रांड आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनियां आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। नॉर्मल बात करें कौन सी गाड़ी की, तो अगर रिटेल की बात करें सिंगल सिंगल पीस की, तो आपको 400-500 रुपए से लेके 800-900 रुपए तक सिंगल पीस, यानी एक सेट एक गाड़ी के अंदर 4 पीस नॉर्मली आते हैं छोटी गाड़ी के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे। और जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती हैं, यानी अगर अल्टो और अगर आप डिजायर के अंदर डिफरेंस देखें तो रेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर बात करें कि आप क्या आप डोर वाइजर खुद से लगा सकते हो, जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। बहुत सिंपल आइटम है, कोई टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं होती है। खाली डोर वाइजर के पीछे जो टेपिंग होती है, टेप को उतारना होता है और आपको अपनी गाड़ी के जो डोर है उसके ऊपर चिपका देना होता है। कैसे चिपकाना है हम आपको भी एंड के अंदर चिपका के दिखाएंगे, लगा के दिखाएंगे। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, कोई इसमें खास ऐसी चीज नहीं होती है कि जिसको सीखना पड़े, आप 1 मिनट के अंदर खुद से लगा पाओगे। नीचे 3M टेप लगी होती है, वही जो बिडिंग के नीचे होती है, बहुत सारी क्रोम आइटम भी उसी से आती है। हर मॉडल हर गाड़ी का जैसे हमने बोला बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आपको प्रॉपर गाड़ी का मिलता है तो आप उसको 1-2 मिनट के अंदर ही चिपका दोगे, कोई उसके अंदर ऐसी खास बात नहीं होती है। आपको दिखाते हैं पहले डोर वाइजर के अंदर डिफरेंस कैसे आते हैं और उसके बाद बाद में बात करते हैं जो कुछ और इसके पॉइंट्स बच गए उनके बारे में। डोर वाइजर आपको नॉर्मली 4 पीस के अंदर मिलते हैं छोटी सभी गाड़ियों के, और जो कुछ बड़ी गाड़ियां बचती हैं उनका 6 पीस के अंदर आता है। 4 पीस का यानी सेट होता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, तो इस तरीके से इसमें एक सेट बन जाता है। बात करें गाड़ियों की, तो देखिए जैसे ये स्विफ्ट का है, तो ये स्विफ्ट का है और इसके अंदर आप पिछले पीस पे देखोगे तो कुछ ऐसा होगा स्विफ्ट। अब स्विफ्ट और डिजायर का जो फ्रंट पीस है वो बिल्कुल कॉमन है, और इसमें जैसे बैक पीस जाएंगे तो पीछे वाला पीस इसका कुछ ऐसे अलग होगा। और ये डिजायर है, आप देख सकते हैं ये, तो ये डिजायर टूर का है, यानी कि डिजायर का ओल्ड मॉडल जो है 2017 से पहले जितनी गाड़ियां आती थी उन सबके अंदर आपका ये वाला डोर वाइजर लगेगा। और अगर आपकी गाड़ी नई है, अभी जो लेटेस्ट गाड़ी आ रही है उसके अंदर फिर डिफरेंट हो जाएगा, डोर वाइजर की शेप भी चेंज हो जाती है, डोर वाइजर की टोटल ओवरऑल लुक भी चेंज हो जाता है। अगर देखें तो ये है आपका अल्टो 800, इसके ऊपर अल्टो लिखा होता है क्योंकि ये अल्टो न्यू केटन के ऊपर भी यही लगता है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं सेंट्रो जिंग, ये हो गया स्विफ्ट और ये हो गया आपका डिजायर। तो इस तरीके से हर गाड़ी हर मॉडल का बिल्कुल प्रॉपर होगा। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल, देखिए पीछे की साइड जो ये है इसमें ये लगी होती है, इसमें 3M की टेप, आपको इस टेप को उतारना है कुछ ऐसे, नाखून से भी उतार सकते हो, कोई इसके अंदर ऐसी खास नहीं होता है चिपका हुआ, तो इस तरीके से। अब ये देखेंगे आप तो नीचे ये ऐसे यही चिपक जाती है, ये बस आपको इसको उतारना है
और अगर आपके पास प्रॉपर गाड़ी का है यानी प्रॉपर मॉडल आपके पास अवेलेबल है तो आपको उसको गाड़ी के उसी शीशे पे लगा देना है। चारों जो डोर हैं गाड़ी के वो चारों अलग अलग होंगे, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग और आगे का अलग, पीछे का अलग। तो जैसे ही आप उनके ऊपर लगाएंगे तो वो बिल्कुल प्रॉपर लग जाएगा। गाड़ी के ऊपर आपको लगा के भी दिखाते हैं कि लगाने का तरीका इसका क्या है। सिंपल टेप उतारनी है और गाड़ी के डोर के ऊपर लगा देना है। अच्छे से साफ करने की जरूर रहती है, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह ना हो, क्योंकि अगर मिट्टी नीचे ऑलरेडी लगी होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जल्दी उतर जाएगा। अगर मिट्टी नहीं है, क्लीन कर लिया गया अच्छे से, तो वो एक लंबे टाइम तक चिपका रहेगा उसके ऊपर अपने आप ही। और ये वाले जो होते हैं ये अनब्रेकेबल होते हैं, तो ये टूटते भी नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि ये इंजेक्शन मोल्डेड होते हैं, तो इनमें दाना वगैरह जो है वो अच्छी क्वालिटी का लगा होता है। रेट की हम बात कर ही चुके हैं कि ये 400-500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, 800-900 रुपए तक छोटी गाड़ी आपको बहुत सारी अलग अलग कंपनी के हिसाब से मिल जाएगी। गाड़ी के अंदर आपको लगा के दिखाते हैं लगाने का तरीका, और आपका लगने के बाद कैसा लुक आएगा वो आपने देखा ही होगा। तो आपको ऐसे डोर वाइजर किसी भी गाड़ी के लिए मिल सकते हैं प्रॉपर, और आप किसी भी मॉडल के लिए अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसे आपने देखा, डोर वाइजर हर गाड़ी हर मॉडल का बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल आगे पीछे का भी बिल्कुल इसमें अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं प्रॉपर उसके ऊपर नाम लिखा होता है गाड़ी का, या तो जैसे मारुति स्विफ्ट है तो कई बार सुजुकी लिखा होता है। अब आपको इन डोर वाइजर को लगा के दिखाते हैं। हमारे सामने है अभी अल्टो का ओल्ड मॉडल, जिसके अंदर हम इन डोर वाइजर को लगाएंगे। इसी तरीके से आप इसको खुद भी घर पे लगा सकते हो, बहुत सिंपल तरीका होता है। तो आप इससे ये वीडियो देखने के बाद, यहाँ देखने के बाद आप खुद से लगा सकते हो, बहुत सिंपल है। पहली बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो है कि नीचे का जो सरफेस है जहाँ पे आप डोर वाइजर को चिपका रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए अच्छे से, तो उसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं दरवाजे के बिल्कुल एक्यूरेसी से लेके इसको और इसको उसके ऊपर रख देना है नीचे की 3M टेप उतार के, जैसे आपको पहले बताया था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप खुद से देख सकते हैं ये, तो कि ये ऊपर नीचे ना जा रहा हो तो भद्दा लगेगा। अगर ये पूरा एक्यूरेसी से इस पर चिपक जाएगा तो ये अच्छा लगेगा, और पूरा उसी साइज़ में बना होता है जो गाड़ी या जिस गाड़ी का आप लेंगे तो ये उसी हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चिपकेगा। तो कुछ भी ये ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। देखिए आगे का पीस लग चुका है और आप देख सकते हैं दरवाजे के जो ये बाहर के एजेस हैं इनके हिसाब से इसको ये फिक्स कर दिया गया है। ये पीछे का पीस लगा रहे हैं, बस इसमें भी वही ध्यान रखना है कि ये थोड़ा ऊपर नीचे ना जाए और आगे वाले डोर वाइजर जो अभी चिपका है इसके अंदर इससे एक सिमेट्री बन जाए, तो पूरा का पूरा एक देखने में लुक है काफ़ी अच्छा आ जाएगा। आप देख सकते हैं, मतलब इसको लगाना बस इतना आसान है कि जैसे आप अपनी खुद की गाड़ी में जब लगा रहे हो तो और आपको लगेगा कि हाँ ये बेटर देखने में लगे। अगर देखिए इसको आप ऊपर नीचे चिपका देंगे तो देखने में भी बद्दा लगेगा। ये दूसरी साइड है जो हम अभी लगा चुके हैं इसके अंदर, और वही एक्यूरेसी की ज़रूरत है बस। आप दरवाज़ा खोल के उंगली से वहाँ पे टच करके भी इसको प्रॉपर एक्यूरेसी में दे सकते हैं। दोनों तरफ लग चुके हैं डोर वाइजर, और लगने के बाद आप लुक देख सकते हैं ओवरऑल बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इस एक्यूरेसी की ज़रूरत है ये, ताकि ये बिल्कुल एक सिमेट्री के अंदर लगे, ऐसा ना लगे कि ये थोड़ा सा आगे वाला पीस ऊपर जा रहा है नीचे वाला पीस नीचे जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से इसको अपनी गाड़ी के ऊपर चिपका दोगे तो ये लुक में बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने लगाया अभी अल्टो के अंदर, आप इसी तरीके से इसको आप अपनी किसी भी गाड़ी के अंदर फिक्स कर सकते हो। कार डोर वाइजर के बारे में आपको कुछ और जानना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और इसके बारे में आपकी कोई परचेज इंक्वायरी है या कोई और इंक्वायरी है तो वो भी आप हमसे कमेंट करके ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कोई परचेज इंक्वायरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके बारे में कोई और डिटेल चाहिए तो वो पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना कार रिव्यूज और कार एसेसरी की ऐसी ही सारी फुल डिटेल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर जल्दी ही। जय हिंद।